हाँ जी अफ्रीका, ये क्वेश्चन आज हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आपके साथ। तो ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग मेथड से दे रखा है उसने। उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे इसको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को 1 + sin से मल्टीप्लाई और 1 + sin से डिवाइड। तो उस मेथड से करोगे तो 9-10 स्टेप लग जाएंगे आपके। ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा होगी तो मैं जो आपको मेथड कराऊंगा वो 3-4 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसमें उल्टा भी सोचना आना चाहिए। तो नॉर्मली हमें क्या याद होता है कि सर secant square माइनस tangent square 1 होता है, तो उल्टा सोचे तो 1 किसके इक्वल होता है। तो उल्टा सोचने से हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई उठाई मुझे दिख रहा है यार राइट हैंड साइड में ना secant और tangent का यूज हो रहा है बार बार हो रहा है। तो क्यों ना हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को कुछ उसी मोड में ले आए। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा या प्रैक्टिस से ही पता लगती है चीजें कि यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया। पॉसिबल लिख लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करते हैं। जब आप देखो, अगर आप मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, अगर न्यूमरेटर के नीचे भी कॉस लिख दिया और डिवाइड करने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर के नीचे भी कॉस लिख दिया और डिनोमिनेटर के नीचे भी कॉस लिख दिया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, x+y/z। क्या होता है x/z+, तो कॉसे साइने के नीचे भी जाएगा तो साइने बाय कॉसे क्या होता है, टेंजेंट के नीचे। कॉसे बाय कॉसे क्या होता है वन है, 1 बाय कॉसे क्या होता है, सीकेंट। ऊपर तो ये बन गया और नीचे टेंजेंट के +1 माइनस। अब सारी की सारी बात डिनोमिनेटर में आगे खड़ी हो गई क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 है, मतलब न्यूमरेटर वाली चीज को आपने काटना है। कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि न्यूमरेटर में कुछ बचे ना, और बचे तो क्या बचे डिनोमिनेटर में, सेकेंड ए माइनस एन। यहाँ पे दिमाग लगा, अभी तक मैंने एक ही स्टेप किया इस क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेप अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 है, क्या बोला, ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 है इसकी जगह क्या आप पुट कर दूं, बोलो सेकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर कर दो, कोई परेशानी किसी को। इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, सेकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अच्छा ये जो माइनस सेकेंट ए है ना, इसको पहले तो टेंजेंट ए के पास ले जाओ, आओ इस माइनस सेकेंट ए को टेंजेंट ए के पास ले जाए ताकि आप करते हुए कंफ्यूजन ना हो। मैंने कुछ नहीं किया, माइनस सेकेंट ए को उठा के टेंजेंट ए के पास रख दिया और इस 1 की जगह क्या रख दिया, बोलो 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेकेंट स्क्वायर है। बस मैंने इतना सही किया है, किसी को कोई डाउट। अब मैं आप एग्जाम में तो अगला स्टेप भी करके दिखाओगे, मैं यहीं पे ही क्योंकि आपको बात तो समझ आ ही नहीं है, मैं क्या एक एक धीरे धीरे करवा रहा हूँ आपको। इस सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सेकंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है a+b(a-c). तो इस सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर एक ही जगह मैंने लिख दिया सेकंड प्लस टेंजेंट है इनटू सीकेंट है माइनस टेंजेंट। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे टेंजेंट है माइनस सीकेंट है, यहाँ पे सीकेंट है प्लस टेंजेंट है इनटू सीकेंट है माइनस टेंजेंट है। तो ऐसा क्या खेल खेला जाए कि कॉमन आ जाए, ऐसा क्या खेल खेला जाए, ये जो टेंजेंट है माइनस सीकेंट है इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो। बाहर अगर टेंजेंट ए माइनस सेकेंट ए से माइनस कॉमन ले लूंगा तो सेकेंट ए प्लस का हो जाएगा और टेंजेंट ए माइनस का हो जाएगा। आइए ये प्लस स्टेप भी यहीं पे कर देता हूं।
इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या रहेगा, सेकंड ए माइनस सी, ठीक है। या ये यहां तक हो गया। अब बड़ा ध्यान से देखो, यहां पे भी आपको सेकंड ए माइनस टेंजेंट ए नजर आ रहा है, और यहां पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, सेकंड ए माइनस टेंजेंट ए। चलो मैं एक स्टेप और कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं, यहां ऊपर तो क्या था हमारा, टेंजेंट ए माइनस वन प्लस सेकंड ए, ठीक है, ये था ऊपर हमारा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लिया, सेकंड ए माइनस टेंजेंट ए, तो रह क्या क्या अंदर ही अंदर क्या रहेगा बोलो, माइनस वन रहेगा प्लस सेकंड ए प्लस टेंजेंट ए। अब देखो न्यूमरेटर में क्या अवेलेबल है, ध्यान से देखो सब बच्चे, न्यूमरेटर में क्या है, टेंजेंट ए प्लस का है, माइनस वन है, और फिर सेकंड ए, और एक ब्रैकेट डिनोमिनेटर में भी है सेम, टेंजेंट ए प्लस का है, सेकंड ए प्लस के, और माइनस वन, तो इन ब्रैकेट्स को उड़ा दो, उड़ा दिया, कट कर दिया मतलब, तो रह क्या क्या बोलो, वन अपॉन सेकंड ए माइनस टेंजेंट ए, हमें यही प्रूव करना था। तो ये बोर्ड वालों का सबसे फेमस क्वेश्चन है जो काफी बार आता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ऐसे एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन भी नहीं है, वो ऐसे मिलते जुलते। तो मैं अगर बच्चों को टेस्ट में देता हूँ तो ये देता हूँ, बोर्ड वाले भी हर दो तीन साल में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट जरूर करते हैं, पिछले साल नहीं आया, इस साल आने के पूरे चांसेस, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।